हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मिशेल का नाम है स्मार्टफोन है। आज मैं पहले लूँगा स्पीक एक्सपीरियंस जो नया अपडेट आया एंड्रॉइड सिक्योरिटी 5 फरवरी 2021। सो इसी बिल्ड की रिव्यू वीडियो होगी जो आपका लेटेस्ट बिल्ड है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले व्हाट्सएप स्टार्ट कर लेते हैं। कोई गाइस मैं डीप में ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, मतलब फीचर्स तो सब कुछ मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो मैंने लास्ट वाला जो उसका जनवरी का था अपडेट, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी पिक्सल एक्सपीरियंस का था। सो अब इसकी बात करते हैं एंड्रॉइड वर्जन। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 मिल जाता है और जो यहाँ पे आपका एंड्रॉइड सिक्योरिटी है जिसमें मैंने बोला 5 फरवरी 2021। और करंट वर्जन जो गाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं एनजी की यूज़ कर रहा हूँ डिफॉल्ट, क्योंकि आपको पता है पिक्सल थर्मल से तो ऑब्वियसली एनजी के तो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। सिल्वर कोर हो गया, एनजी के हो गया, और जिसका डिफॉल्ट करनल वो भी ठीक है, बट थोड़ी मुझे इशूज़ आए जो उसका डिफॉल्ट करनल है, इसलिए भाई मैंने करनल चेंज करा। सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब 610 हो गया। अब फिर तक गाइस हम चलते हैं भाई बेंचमार्क्स पे। मैं पहले से सब कुछ स्टेट बार सब कुछ मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आपको पता ही होगा पूरा जो भी इसके मेन फीचर्स है। हाँ, जो चेन लॉग है, जो क्या क्या नए फीचर ऐड हुआ है, वो भी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं जो गीकबेंच 5 है उसकी बेंचमार्क्स की, जो गीकबेंच 5 है विद आपका एनजी के परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स। गाइस मैंने आपको जो नो ग्रेविटी प्रोफाइल्स है उसको गाइस मैंने बैलेंस पे रखा हुआ था जब मैंने जो भी ये बेंचमार्क्स करी है। सो एनजी है गाइस आपका सिंगल स्कोर इसमें आपको 503 मिल जाता है, और जो आपको मल्टी स्कोर आपको मिल जाता है 226। या आपका गीकबेंच 5 हो गया, जो आप कह सकते हो भाई ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रोफाइल भी गाइस मैंने कोई ज़्यादा गेमिंग या परफॉर्मेंस भी नहीं रखी हुई थी, बैलेंस भी रखा हुआ था, क्योंकि पिक्सल थर्मल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब गाइस हम बात करें जो एनएटी स्कोर है उसकी। सो गाइस जो आपका एनईटू बेंचमार्क है वो इधर गाइस आपको मिल जाता है 3.5 लाख का, इसमें आपको बेंचमार्क है, जो आप कह सकते हो ये भी ठीक है भाई। अगर बेंचमार्क्स की बात करें तो सारे आपको सही मिलेंगे। 3D स्कोर की बात कर लेते हैं। सो ये रहा एक मिनट, कोई बेंचमार्क इधर आपको ठीक मिला है। वुल्कन गाइस इसमें आपको जो आपका वाइल्ड लाइफ का स्कोर है वो आपको इधर इसमें मिल जाता है 1743। सो ये आपको ये गाइस जो शॉ ये भाई मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो 1743 गाइस आपको इसमें वाइल्ड लाइफ का बेंचमार्क मिल जाता है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं जो हमारा सीबी थ्रॉटल टेस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। सो जो आपको सीबी थ्रॉटल है वो 90% आपको थ्रॉटल हुआ है, जो इसकी मैक्स परफॉर्मेंस है, और जो आपका एवरेज जीआईपीएस है वो इधर आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट 2,10,000 का, इसमें आपको एवरेज जीआईपीएस मिल जाता है, और सीबी थ्रॉटल आपका 90% है ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस विद आपका एनजी के आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आप कर सकते हो भाई ठीक है। सो बेंचमार्क सारे हो गए। अब गाइस भी नाम सीधा आ जाते हैं जो उसके क्या क्या चेंजेस हुए। एक तो गाइस जिसको जो पहला चेंज हुआ आपको पता होगा, क्योंकि इसमें एक जो उसका प्रीवियस बिल्ड था जो जनवरी वाला, उसमें दिक्कत थी कि जो जिस आपका जो सिस्टम भी हुआ है वो क्रैश होती थी जैसे ही आप अपना डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते थे कोई और जैसे डिवाइस के लिए। सो इसमें ये प्रॉब्लम थी कि आपको सिस्टम यू आई है वो समटाइम कभी कभार क्रैश हो जाती थी जैसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट होते थे, तो एक इसमें ये फिक्स हो गया। और दूसरी प्रॉब्लम है कि दूसरा ये है कि आपको जीटीएम गो इसमें ऐड हुआ है, या अभी सकते हो ये रहा। सो ये भी आप कह सकते हो भाई ठीक है, ये प्रीवियस वाले बिल्ड में नहीं था, इसी बिल्ड में इंप्लीमेंट हुआ अगर हम जीकेएम गो की बात करें। और एक और तीसरा ये है कि भाई थोड़ा यहाँ पे करना, क्योंकि कोई और कस्टम कर फ्लैश मत करने से डीएचजी हो गया, लॉरन हो गया, वैसे तो मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता, बट स्टिल कोई कोई लोग भाई फ्लैश कर देते हैं, कॉज भाई ये पिक्सल थर्मल है तो कोई फायदा नहीं है फ्लैश करने का, सीधा बूट लुक खाओगे। तो इसलिए जैसे एक आपका एनजीके हो गया, दूसरा सिल्वर कोर हो गया, तो ये 2-3 कर्नल है। अगर आप फ्लैश जिनॉस भी इवन यार आप फ्लैश नहीं करते कोई फायदा नहीं है, तो ये 2-3 कर्नल ही है, 2 कर्नल एनजीके और आपका सिल्वर कोर। सो उसके हिसाब से भाई फ्लैश करना कोई। और एक और इसमें चेंज हुआ, जो आपकी रेंडर स्क्रिप्ट है, जो आपके ब्लॉब्स है वो इंपोर्टेड हुए आपका फ्रॉम Pixel 3 XL, तो ये भी थोड़ा यहाँ पे लिटिल बिट परफॉर्मेंस और बैटरी के रिलेटेड यहाँ पे आपके चेंजेस हुए, तो ठीक है। बट स्टिल एक और मुझे इसमें डाउट लगा यार, अब अच्छी बात है पिक्सल एक्सपीरियंस धीरे धीरे स्टेबल होती जा रही है अगर हम A11 की बात करें, बट अभी तक इन्होंने यार मानता हूँ सोर्स की प्रॉब्लम है, तो बट स्टिल अभी तक भाई आपको फिंगरप्रिंट तो मिलता है, बट फेस अनलॉक आपको अभी तक देखने को इसमें नहीं मिला, तो अगर वो मिल जाता तो ठीक रहता, क्योंकि फ्लूइड हो गई या वेकन हो गई वो मैं मानता हूँ भाई बहुत आपका डिफरेंस है पिक्सल एक्सपीरियंस और उन दोनों रोम्स में, बट स्टिल उन दोनों रोम्स में आपको आईआर फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, बट इसमें भाई सिर्फ आप फिंगरप्रिंट से अभी चलाओ फेस अनलॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्पीड फिंगरप्रिंट की ठीक है तरह से आप कह सकते हो ओके है। सो बट हाँ, अगर फेस अनलॉक होता तो ज़्यादा सही रहता, बट सिर्फ फिंगरप्रिंट ही आपको देखने को इसमें मिलता है। और एक और इसमें चेंज हुआ है भाई, बट मेन वही है जो मैंने आपको बोला, डिफॉल्ट करंट का मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा, कॉज प्रॉब्लम ये थी डिफॉल्ट करंट की यार मुझे इतनी अच्छी खासी उसके साथ बैटरी बैकअप नहीं लगी, जो बैटरी बैकअप जो डिफॉल्ट करंट है, क्योंकि प्रीवियस जो बिल्ड्स थे ना, जैसे आपको दिसंबर का होगा, दिसंबर का तो भाई बहुत बढ़िया बिल्ड था पिक्सल एक्सपीरियंस का, वो एक तरह से कह सकते सबसे अभी तक बेस्ट बिल्ड था टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और बैटरी का, बट जनवरी का भी ठीक था, डिसेंट था विद मैं डिफॉल्ट कर्नल की बात कर रहा हूँ, बट जो ये फरवरी वाला का इस अपडेट है विद डिफॉल्ट कर्नल
भाई कोई खास नहीं लगा, बैटरी का भी बहुत लो है, वैसे 6 साढ़े 6 घंटे का सिर्फ आपको एसओटी मिलता है विद आपका डिफॉल्ट कर्नल। तो इसलिए गाइस मेरे को मैं एनजीके मैंने चेंज करा है भाई, एक बार ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी आपको याद होगा, मैं डिफॉल्ट कर्नल के साथ ही मैंने रिव्यू बनाई थी, मैंने एनजीके उस टाइम फ्लैश नहीं करा, सिर्फ मैंने डिफॉल्ट कर्नल के साथ ही रिव्यू बनाई थी, जो मेरा लास्ट अपडेट था पिक्स एक्सपीरियंस का, आई मीन जो मेरी रिव्यू थी। तो अब गाइस मेन बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप के। बैटरी आपका यार आपका यहाँ से 9 से 10% का आपका एक्टिव है ना, अगर हम बैटरी की एक्टिडेंट की बात करें तो क्वेश्चन, तो भाई ठीक है एनजीए के साथ, क्योंकि मैंने हाँ परफॉर्मेंस प्रोफाइल मैंने चेंज कर चेंज कर रखी है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो थोड़ी आपके बैटरी का भी आपको ठीक मिलेगी। आप देख सकते हो मैंने बैटरी पर रखी हुई है जो प्रोफाइल है, परफॉर्मेंस प्रोफाइल नहीं, आई मीन जॉब की प्रोफाइल है, सो ये भी आप कह सकते हो भाई ठीक है। बट अगर हम हाँ एक्टिडेंट आप डिफॉल्ट करने के साथ एक्टिडेंट देखें तो भाई वो आपका अराउंड 10 से 12% का है, बट एनजीए के साथ मुझे ठीक लगा 9 से 10% का आपका एक्टिडेंट है। और अगर हम ये चीज़ हम कंपेयर करें तो आपका मीन परफॉर्मेंस अगर जो आपका एक्टिडेंट है वो होगा ऑलमोस्ट 23-25% का आपका एक्टिडेंट होगा, 23 से 25% का, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका होगा ऑलमोस्ट वो 46-47। सो ओके ये चीज़ आप रखना, 47 मैक्सिमम मुझे टाइम दिखा था, मैं सीओडी की बात कर रहा हूँ, पबजी की बात नहीं कर रहा, कोई परफॉर्मेंस आई मीन टच इशूज मुझे भाई, क्योंकि मेरा एफटीएस है तो मुझे टच इशूज कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लिटिल बिट माइनर एफटीएस ड्रॉप थे, बट वो तो भाई सीओडी, अब सीओडी और पबजी में अगर कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स तो जमीन आसमान का फर्क है यार। तो ऑब्वियसली हम आपको टच आई मीन एफएस ड्रॉप तो या ये चीज़ें आपको फेस ऑब्वियसली नहीं होगी वाइल प्लेइंग आई मीन सीओडी विद 845 अगर हम बात करें। और अगर हम कंसिस्टेंटली आप गेमिंग करते हो 18% to 100% तो ऑलमोस्ट आपका जो गाइस एसओटी होगा वो होगा सिर्फ 4 आर का। हाँ भाई क्योंकि ये वाला गाइस एनजीए का मुझे ये जो लेटेस्ट वाला बिल्ड है ना एनजीए का, इसमें भी लिटिल बिट थोड़ी बीबी का इशू है, बैटरी का इशू है लिटिल बिट, कोई कोई यूजर्स का भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो तो डिपेंड होता है कि आपकी बैटरी कितनी करंट कैपेसिटी है उस चीज़ों पर डिपेंड होता है। तो बट स्टिल 4 आर का गाइस आपका कंसिस्टेंटली अगर आप गेमिंग करते हो, ये 18% की बात कर रहा हूँ मैं, 0 to 100 की बात नहीं कर रहा इसलिए वो थोड़ा कम है, 18% to 100% आपका एसओटी होगा 4 आर का अराउंड होगा अगर कंसिस्टेंटली आप करते हो। और अगर हम बात करें ऐसे डे ट्रेडर अगर इसको आप ऑप्ट करते हो पिछले एक्सपीरियंस का, जब गाइस आपका एसओटी होगा विद एनजीके में जो मेरा था, मेरा अराउंड था गाइस 6.5-7.5 घंटे का एसओटी मुझे आराम से मिल गया था, 7.5 तो इजिली था, ये मैं विदाउट गेमिंग बात कर रहा हूँ, एज ए डे ट्रेडर की सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो आप कह सकते हो ठीक है 7.5 घंटे का एसओटी, आप कह सकते हो ठीक है पूरा आपका दिन निकाल देगा यार ये, तो अगर हम वन डे की बात करें तो। सो और अगर यही चीज़ हाँ अगर ये चीज़ हम डिफॉल्ट के साथ आई मीन जो एसओटी है विद एज ए डेली ड्राइवर वो आपका राउंड होगा सिर्फ 6.5 घंटे का। तो ये बात है ना कि जो ये वाला अपडेट है ना डिफॉल्ट कर्नल का, आई मीन जो ये वाला अपडेट है पिक्स एक्सपीरियंस का विद आपका डिफॉल्ट कर्नल, लिटिल बिट बैटरी के थोड़े इशू है, बैटरी का थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अगर हम कस्टम कर्नल की बात करें। सो बट ऑल कंक्लूजन यही है गाइस, यूज़ कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको इस बिल्ड में, और बट यही है ना कि अगर आप एनजीके ट्राई करना एनजीके ट्राई कर सकते हो, सिल्वर कोर तो और अच्छी आपको बैटरी का मिलेगी बस, बट परफॉर्मेंस के लिए वो कर्नल कोई खास नहीं है। सो चेंज लॉक सारा गाइस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो मेजर हाईलाइट्स है वही मैं गाइस मैंने आपको एक्सप्लेन करे, क्योंकि और तो बहुत कुछ इसमें चेंज हुआ है, बट जो मेजर आई मीन फीचर्स है जो मेजर आपके हाईलाइट्स है वो सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। सो गाइस दैट्स ऑल, और कंक्लूजन ये भाई यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो रिकमेंडेशन ये करूँगा भाई एनजीके के साथ ही यूज़ करना, और डिफॉल्ट कर मुझे कोई खास इतना लगे नहीं, बट एनजीके के साथ यूज़ करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बट परफॉर्मेंस के लिए यार पी आप ठीक है, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर ऐसा डेढ़ आप जाते पिछले में से जाते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए आपके पास और भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे अवेकन हो गया, फ्लोरियोस हो गया, तो वो ज़्यादा बेटर होंगे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर हम पी के साथ कंपेयर करें, एज ए सजेशन दे रहा हूँ सिर्फ। सो ये कंक्लूजन है कि सिर्फ अगर एज ए डेली ड्राइवर जाना है तो वो गाइस ठीक रहेगा विद आपका पी A11। ओके गाइस मिलते हैं वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।